युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भग। दूसरी बात रही तो कहा कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। की सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं। मधुर छवि का आपको एक छोटा सा लाइन सुनाऊं कि भगवान की मधुर छवि क्या है कि ठुमक कर चला तराम चंद्र बाजत पे जनिया ठुमक ठुमक ठुमक। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त राम भक्ति पूरी तरह से देखने को मिल रही है। जहां भी आप देखेंगे राम नाम की गूंज है और राम भक्ति के गीत हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो कि अभी से नहीं बल्कि सालों से राम की भक्ति में डूबे हुए हैं, राम भक्ति के गीत गा रहे हैं। तो आज जब राजकुमार जी हमारे साथ हैं तो बातें थोड़ी कम होंगी। राजकुमार जी हैं, उनका हारमोनियम है, संगीत है, तो सबसे पहले तो राजकुमार जी से एक अच्छा सा राम का भजन सुनते हैं और फिर उनसे आगे बात करते हैं। जी जय सियाराम, सभी को जय सियाराम। हम आप सभी माँ सरयू की गोद में बैठे हुए हैं। आई छोटा सा भजन आनंद करते हुए सुनते हुए चले हम आप सभी। श्री राम 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 मेरे श्री राम। 22 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं तो उनके स्वागत में, भगवान के स्वागत में एक छोटा सा भजन। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। मेरी आँखों के तारे मेरे राम बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया भागा है अवध का बाग जी गूंजा है विजय का राग जी योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। हो सज धज के सज धज के मेरी आँखों के तारे राम बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम। शुरुआत अच्छी हो गई है। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो रियाज आप कर रहे हैं कितनी उम्र से, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे फिर संगीत की शिक्षा भी आपने लेनी शुरू की, किस उम्र से आपने ये रियाज जो है वो शुरू किया? जी, पिताजी के हमारे जो थे उनकी काफ़ी इच्छा थी कि मैं अयोध्या धाम में रह कर के ही भगवान के चरणों में रह कर के शिक्षा ग्रहण करूँ। तो पिताजी ने मुझे बचपन से ही, मैं जब 2 साल का था तभी पिताजी मेरे अयोध्या लेकर के चले आए थे। गुरुदेव भगवान श्री सरोजदास जी महाराज के पास, उन्हीं के पास रह कर के शिक्षा भी ग्रहण किया और हमारे जो दीक्षा गुरु हैं श्री संजय दास जी महाराज, उनका मैं शिष्य हूँ, उनसे मैंने दीक्षा भी ली है। तो गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मैंने राम कथा भागवत कथा आदि की तैयारी की और फिर संगीत को भी मैंने, क्योंकि बचपन से मेरी संगीत में रुचि थी सो मैंने संगीत को भी सीखा और अभी संगीत से मैं प्रभाकर भी कर रहा हूँ। तो संगीत
गुरुदेव भगवान की ही सब कृपा है। और लगातार 14 साल से अयोध्या में मैं रह रहा हूँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने आप को बहुत बड़ा धन्य भाग समझता, क्यों, क्योंकि कि धन्य अवध जय राम बखानी, भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से इस अयोध्या का बखान किया कि इस अयोध्या में जो रहता है वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है, स्वयं शेष शारदा अपने श्रीमुख से बखान नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात रही तो कहा कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमित सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास, माँ सरयू की गोद में आई एक छोटा सा भजन कि सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारो भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारो भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और यहाँ के जो विशेष हैं भगवान हमारे, तो कहा कि छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, कहा क्या, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीता राम जी की शोभा गुण खानी लागे, सुख खानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और लास्ट कड़ी में बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ के जो संत है उनका क्या कहना है कि जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, हो मधुरी बानी बोले हो करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, ओ राजा राम पिता सीता माता महारानी लागे, हाँ महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले सरयू मैया की जय। तो राजकुमार जी, क्योंकि आपका बचपन अयोध्या में बीता, प्रभु श्री राम का बचपन भी अयोध्या में बीता था, अब जब क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आपकी शहर तो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है, अयोध्या आपको कितनी बदली हुई नज़र आती है, वो बचपन का जो दौर था जब अयोध्या पुराने घर थे, अब क्योंकि बहुत आधुनिकता भी आ चुकी है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, कितनी बदली हुई अयोध्या आपको लगती है? जी, हम जब से अयोध्या में रहे तब से तो हमने इस चीज़ का देखा है कि जब से हमारे मोदी जी और योगी जी आए हैं अयोध्या का बहुत बदलाव किया है, क्योंकि पहले मैं जब काफ़ी छोटा था तो मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बता दूँ कि इतनी पतली सड़क थी कि लोग उस पर चलना मुश्किल था, काफ़ी पतली सड़क थी, तो लेकिन मोदी योगी जी आए तो महाराज उन्होंने उसको 4 लेन कराया, और जो पुरानी जो फालतू की जगहें ज़मीनें जिन्होंने छिका रखी थी वो भी महाराज सब योगी जी ने उसका निर्माण कराया। और भगवान श्री राम, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान श्री राम लला का जो मंदिर बन रहा है ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आइए एक स्वागत का भजन सुनाऊं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं,
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत खुशी मिलती है कि भगवान हमारे श्री रामलला विराजमान होंगे। भगवान की उस मधुर छवि का आपको एक छोटा सा लाइन सुनाऊं कि भगवान की मधुर छवि क्या है। किठो मक चलत राम चंद्र, इसी अयोध्या में भगवान ने किस प्रकार लीलाएं की हैं। किठो मक चलत राम चंद्र, बाजत पे जनिया ठुमक ठुमक ठुमक, चलत ठुमक 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 ठुमक, चलत राम चंद्र, बाजत पे जनिया ठुमक ठुमक ठुमक। भगवान किस प्रकार लीलाएं कर रहे हैं। किल किलात उठत धाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मा तू गोद लेत, धाय मा तू गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक ठुमक ठुमक, चलत राम चंद्र, बाजत पे जनिया ठुमक ठुमक ठुमक, चलत राम चंद्र। बोले सियावल राम चंद्र की जय। राजकुमार जी, जैसे आप बता रहे हैं कि 16 साल के हैं इस वक्त आप, और बहुत कम उम्र में ही आपने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी, और जिस तरह से बहुत कम उम्र में आध्यात्म की ओर रुख है आपका, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम अयोध्या की बात करें, यहाँ तो हर घर में राम बसते हैं, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, आपके लिए प्रभु श्री राम को लेकर मन में, क्योंकि आप राम भक्ति के गीत गा रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पे आप गा चुके हैं, राम को लेकर इस वक्त क्या भाव है मन में। वो जो टेंट में रहते थे, शायद उस दौर में आप नहीं थे जब वो विध्वंस हुआ पूरा, लेकिन आपने उस वक्त की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी अपने घर से। मैं उस वक्त तो नहीं था जब यहाँ पर विध्वंस आदि हुए थे, करोड़ों कार सेवकों ने अपने प्राण दिए थे भगवान के लिए, उस समय मैं नहीं था। परंतु जब से मैं अयोध्या हूँ, तब से मैंने एक चीज़ का वो देखा कि महाराज भगवान टेंट में थे, तब मैंने भगवान का दर्शन अवश्य किया है, क्योंकि भगवान उस समय टेंट में थे। और महाराज एक हमने ये भी देखा है कि महाराज एक बजरंगी नाम का सैनिक था जिसने अकेले 40 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर लगा दिया था। अकेले बजरंग नाम का एक सैनिक था जिसने रामलला की उस समय उस सारे जितने भी सैनिक थे सभी लंच पर गए थे, और उस समय अकेले था, उसी समय 40 आतंकवादी घुस गए थे, लेकिन बजरंगी नाम के जो सैनिक थे महाराज, उन्होंने 40 आतंकवादियों को मार दिया, और महाराज तब जाकर के उनकी मृत्यु हुई। ऐसे वीर को सलाम है महाराज, ऐसे वीर को प्रणाम है हमारा। तो भगवान तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि अयोध्या जो है यहाँ के कणकण में भगवान का निवास है। अयोध्या ऐसी अयोध्या है कि यहाँ पे कणकण में हर साधु संतों के हृदय में भगवान का निवास है। कि उसी पे एक छोटा सा भजन सुनाऊं कि देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सच्चा आनंद है ओ, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, श्री राम।
अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए, तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे आपके पिताजी चाहते थे कि आप अयोध्या आए, यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण, हारमोनियम ही क्यों चुना आपने सीखने के? देखिए, संगीत कला में क्योंकि बचपन से मैं गायन करता था, काफ़ी छोटा था तो मैं गायन भी करता था और गुरुदेव भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। गुरु जी भी जो है मेरे श्री सरोजदास जी महाराज, वो भी गायन करते हैं और उनके सानिध्य में रहते रहते गाने का अभ्यास मैंने किया और उन्हीं के द्वारा शिक्षा भी प्राप्त किया। और वैसे संगीत मैंने सीखा है, मेरे गुरु जी हैं यहीं काले राम मंदिर के श्री कुशल उपाध्याय गुरु जी, उन्हीं के चरणों में मैंने 2 साल संगीत भी सीखा है और काफ़ी रागों का मैंने उसमें बढ़ावा दिया है, जैसे यमन भैरव, भैरवी, आसौरी, अलैया, बिलाल, खमाज, केदार आदि आदि राग जो हैं उसका भी अध्ययन किया है। और तो सब गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। अच्छा, आपके पिता का जैसे सपना था कि आप अयोध्या आए, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, अब आपके पिता इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला विराजमान होंगे, लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पिताजी का एक सपना था और आज वो होते तो किस तरह से खुश होते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक पिता का सपना होता है कि मेरा जो पुत्र हो वो आगे जाए, और उन्हीं के आशीर्वाद से, पिताश्री के ही आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा। यदि वो मुझे अयोध्या ना लाते तो मैं इस अयोध्या नगरी में रह नहीं पाता, मैं भी साधारण बच्चों की तरह महाराज गांव में फिरता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं अयोध्या में हूँ, आपके सामने हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक युवा है और यहाँ पर राम नाम की गूंज है, हर कोई राम नाम का जप कर रहा है, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, आपको लगता है कि श्री राम जैसी मर्यादा या श्री राम जैसे जो गुण थे वो उनमें है, या सिर्फ राम नाम का जप करना ही काफ़ी नहीं है, श्री राम जैसे गुण का अपने अंदर निर्वाह करना वो भी बहुत ज़रूरी, अब कहीं ना कहीं? हाँ जी, देखिए, मैं युवा पीढ़ी को एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल देखिए कि जो युवा पीढ़ी है आजकल अपने माता पिता के आदर्शों को देखिए महाराज किस तरह से ठुकरा रहे हैं, माता पिता को वृद्धा आश्रम ले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। यदि वही युवा पीढ़ी अपने माता पिता की सेवा करें जिस तरह से भगवान श्री राम ने किया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता गुरु नाव ही माथा आय सुमांग कर ही पुर का जा और देख चरित हर से मन राजा। युवा पीढ़ी जो है उनको भगवान श्री राम की तरह होना चाहिए। हमारे राघवेंद्र सरकार जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने माता पिता को भगवान श्री राम कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, ये चारों लोग भगवान के समान हैं, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही पूरी दुनिया समाई हुई है, चारों धाम समाये हुए हैं। किसी कवि ने कहा कि अगर माने ममता अरे लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। जिस माँ को हम आप सभी सम्मान नहीं देते, जिस पिता को हम सम्मान नहीं देते, वही माता पिता कितने, कहा गया कि पुत्रों को पुत्रो जायते कुजतम कुमाता न होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो कहा कि उस माँ के लिए कि अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर चोट दिल पे माँ खाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर चोट दिल। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमसे बात करने के लिए, और ऐसे राम भक्ति के जो गीत हैं, भजन हैं, वो हमें सुनाने के लिए। और सच में ये तमाम चीज़ें जब आप अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और ऐसे राम भक्ति के गीत सुनते हैं तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। और मैं इतना ही कहूँगी कि सरयू की ये निर्मल जल की धारा है और अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है उसका ये भव्य नज़ारा है, ये नज़ारा ऐसा है जो इतने सालों में अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन अयोध्या वासियों का सपना 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इंतज़ार हम सबको भी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। मैं मानसी अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ।